Oh my god. Oh my god. Hey guys, welcome back to our channel. Today is 17th of November. बहुत दिनों से नदारद थे बिकॉज काम में बहुत ज्यादा बिजी थे और आज हम जा रहे हैं अन्नू के घर बिकॉज मेरा शूट है कल एंड कल और भी कुछ है बिकॉज टुडे इज 17th ऑफ नवंबर, टुमारो इज 18th. 18th इज आर एनिवर्सरी एंड इट्स गोना बी द 7th एनिवर्सरी. हमारा 7th एनिवर्सरी है कल, वेडिंग एनिवर्सरी. अन्नू के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. 7 साल कैसे निकल गए समझ में नहीं आ रहा है, एकदम भी समझ में नहीं आ रहा है. Like, ऐसे लग रहा है बस ऐसे चुटकी बजाया और निकल गए. अन्नू के लिए एक सरप्राइज है जो कि गाड़ी में है. हमारे साथ संतोष भी जाने वाला है. संतोष आ रहा है, वो सरप्राइज संतोष के पास था. सो संतोष वो लेके आने वाला है एंड वी आर गोना कीप इट इन द कार, कार में रखने वाले है. और जैसे निकलेंगे और 12 बजेगा रस्ते में तो गाड़ी रुका कर अन्नू को सरप्राइज किया जाएगा. सो लेट्स सी अन्नू का रिएक्शन कैसा होता है एंड आई होप आप लोगों को भी वो गिफ्ट अच्छा लगे, दैट आई एम गिविंग इट टू अन्नू, और अन्नू को भी वो गिफ्ट अच्छा लगे. सो यप, वेरी एक्साइटेड. चलते और चल के देखते हैं कैसे जाता है अपना 12 बजे का सेलिब्रेशन और बीच रस्ते में. एंड ऑल्सो उसके बाद में हम अन्नू के घर पहुंचने वाले हैं और जाके पप्पा भी वहां पर है, पोल्टू भी वहां पर है. सो वो लोगों ने ऑलरेडी वहां पर केक और सब कुछ मंगा के रखा है. सो वी विल सेलिब्रेट इट ओवर देयर एज वेल. और फिर बाद में फटाफट सोएंगे बिकॉज टुमारो इज माई शूट. बहुत ही गंदा लग रहा है दैट मैं काम करने वाला हूँ एनिवर्सरी पे और अन्नू को अकेले छोड़ के जाने वाला हूँ. बट देन कुछ नहीं कर सकते, काम के आगे कुछ भी नहीं. सो यस, जितना भी टाइम मिलता है उसका सबसे ज्यादा फायदा ले लेते हैं एंड फिर जाते हैं. ओके, सो लेट्स गो. मैंने ऑलरेडी गाड़ी में बाकी का सामान रख दिया है. मैं अभी बिल्डिंग के नीचे हूँ, ऊपर जाता हूँ, अन्नू को और ज्यादा जल्दी जल्दी करने बोलता हूँ और फिर बाद में निकलते हैं. तो चलिए गाइस, बाय. तो अनु चलो जल्दी यार, क्या इतना लेट कर रही है, पता नहीं तब से लेट लेट लेट. सो ये आ गए हमारे संतोष बाबू और अन्नू भी ऑल सेट. तो चलिए चलते है. सो हम पहुंच गए मिड वे एंड देयर यू गो, इट्स 1:19 को पहुंचने वाले हैं हम और यहां पर बज रहा है 11:58 और 2 मिनट है हमारे एनिवर्सरी और 2 मिनट है एनिवर्सरी. क्या करोगे एनिवर्सरी में तुम? मैं कुछ नहीं करूंगी, इसलिए जा रही हूं तुम लोग के साथ. व्हाट इज योर प्लान? नो प्लान्स एट ऑल. और ये देखो बैठा है आराम से. नमस्ते. 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 चलो. क्या चलो? और 2 मिनट है गाड़ी चलाते चला, एंड चलो ना टाइम पास करो. टाइम पास. एंड हियर यू गो, हैप्पी एनिवर्सरी. हैप्पी एनिवर्सरी. क्या थे पब्लिक, 7 साल की एनिवर्सरी. चलो गाड़ी से उतरते हैं. सो हम है बीच रस्ते, यहाँ पर बहुत ज्यादा आवाज और आवाज के साथ हम करेंगे यहाँ पर थोड़ी सी केक कटिंग. पेस्ट्री लाया है हमने. हमारा लाइट सेट डन एंड अनु मोंजिनीज. तो ये है मेरा छोटा सा गुलदस्ता, गुलाब का गुलदस्ता मेरे अन्नू के लिए. अन्नु 7वें एनिवर्सरी पे लो. और ये देखो मैंने पेस्ट्री लाया है, इसको खोल के बैठी हुई है. तो चलो काटते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. ओके, बट एक ही को काटते हैं. एक ही को काटते हैं. हैप्पी एनिवर्सरी. थैंक यू. क्या कलर दिख रहा है एकदम. मेरा कैमरा का छोड़ दिया. हाँ, बड़ा बड़ा. वाइट 12 मेक अ विश. 12 मेक अ विश. सब है, है. तो संतोष, ये तुमने क्या छुपा करके पाओ के पास? ये ओ माय गॉड, ये क्या है? ये क्या है? कहाँ से है? ओ माय गॉड, आपका बॉक्स का डब्बा इधर क्या कर रहा है? ये शिट, ये क्या है ये संतोष? इसके बॉक्स का डब्बा है इनका. क्या कर रहा है? मुझे सच में लग गया. सच में लग गया. बॉक्स को लगता है भैया. मेरा बॉक्स है तो खोल लो. नहीं, हम डूब जाएंगे. नहीं नहीं, मैं तो नहीं. इसके भी 10 रुपए कट मम्मी के जैसे. सो ये है अनु का नया एनिवर्सरी गिफ्ट.
अनु का नया एनिवर्सरी गिफ्ट, एज यू कैन सी फ्रॉम द डायनेमिक आइलैंड, दिस इज अ आईफोन 14 प्रो फॉर अनु, 256 GB, क्योंकि अनु बहुत रो रही थी भाई मेरा 128 GB खाली हो जाता है, सो वी हैव गॉट हर अ 256 GB पर्पल आईफोन 14 प्रो, हियर यू गो. यार ये नहीं चाहिए था मुझे, 15 लाते थे. क्या हो रहा है बोलती है 15 लाते. मतलब जब 15 आता था, जब 15 आएगा तो 15 आएगा, फिलहाल के लिए 14 प्रो तुम्हारे लिए ओनली तुम्हारे लिए अभी भी चालू करो. ओ माय गॉड, श्री गणेश है नमः. फोन चालू हो चुका है भाई साहब, अच्छे से एकदम हमने कवर ओवर सब लगा के रखा हुआ है. सो हियर यू गो, एंड यहाँ पर ये नया फोन करते हैं ओपन विद सम कवर्स आल्सो. क्या तुम लोग मस्ती कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है. सम कवर्स आल्सो, सो ये एक मस्त है, ये एक कवर है और ये एक कवर है स्टारबक्स वाला. ये कंप्लीट सरप्राइज है, बट ये बोलेगा ये रिएक्शन की जरूरत नहीं है, बट मुझे सच में फोन की जरूरत नहीं थी. हम पहुंच गए हैं अन्नू के घर और पापा जरा दरवाजा खोलो पापा. आ गया था कमरा. अच्छा इसके पास चाबी है तो घंटी क्यों मारा रे, चाबी है तो. ओह माय गॉड, इलेक्शन लड़ने जा रहे. हेलो ये तो बहुत ज्यादा है. फुल सजा वजा के इधर रखा गया है, यहाँ पर देखो कितना एफर्ट है पापा. कितने दिन बाद. ओह माय गॉड पापा, हाथ दिखो पहले हाथ दिखो. ये अन्नु बोल रही है एनिवर्सरी का गिफ्ट है, दो तीन उंगली का निकलना चाहिए ना. इधर देखो, एक दो तीन. अच्छा ये मोटा वाला. पापा कितना 10 के 10 उंगली पे पहना है पापा ने. ओ माय गॉड, रिटायर्ड हो तो ऐसा रिटायर्ड होना चाहिए, क्या बोलते हो. हाँ अन्नु रिटायर्ड होना चाहिए तो ऐसा रिटायरमेंट होना चाहिए. माँ कसम हाथ देखो भरा हुआ है. ओ माय गॉड पापा, टू मच एफर्ट, अनएक्सपेक्टेड. यही तो मम्मा, ये मस्त लग रहा है. ये मम्मा एटा ये वाले दिख रही है. ये नहीं, ये तुम ही खराब लेकिन ये बहुत. और हमारे एमएलए की तरफ से हमारे क्या बोलते हैं वो हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको, विधायक. अरे विधायक क्या जोर से निकले हो. थैंक यू, बड़ा सुंदर. ये कलकत्ता के विधायक मनतोष चक्रवर्ती, इनकी तरफ से हमारे लिए ये प्यारा सा. सो गुड मॉर्निंग गाइस, और लुक एट दिस प्रिटी गर्ल. गुड मॉर्निंग.
ये प्रिटी है, ये प्रिटी नहीं है, ऐसा अनु का कहना है। यप गाइस, आई एम रेडी, ऑल सेट। मैं निकल रहा हूँ काम पे, छोड़ के जा रहा हूँ अपनी बीवी को एनिवर्सरी के दिन पे, ताकि ये अकेले अपना अपना आज पूरा दिन बिताए। आई जस्ट होप दैट कि शी डजंट मिस मी टुडे। और ये हर साल का है, ये हर साल का है। अभी कैसा हो गया ना कि अभी काम के टाइम पे शादी की थी, तो भी हर साल काम ही होता है ये टाइम पे। सो दैट्स हाउ इट इज। तो अभी निकलते हैं जल्दी से जल्दी। बाय बाय, बाय बाय, सानू बाय, और चलते हैं। फर्स्ट डे ऑफ वर्क इन दिस न्यू वेडिंग सीजन। लेट्स गो संतोष। यस भैया, बाय बाय, बाय बाय, एंजॉय करो अपना दिन। चलिए चलते हैं। Yes guys, happy anniversary to me and Aniket. It's 7 years. लगता ही नहीं है। शादी के फोटोज देखो तो लगता है यार तो अभी हुआ था, 7 साल हो गए। Oh my god. But yes, आज अनिकेत गया है काम पे। Mostly ऐसे ही होता है because wedding season चालू हो जाता है हमारा anniversary पर। So yes, आज उसका first day of season है, so वो काम पे गया है। मैं घर पे हूँ, बहुत दिनों बाद पापा के घर आई हूँ, मेरे खुद के घर आई हूँ बहुत दिनों बाद, पापा से मिली भी। एंड हम भी बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करें, हम तीनों ऐसे मतलब एज अ फैमिली बहुत दिनों बाद एक साथ है, तो बहुत बातें की, बहुत मज़ा आया। पापा ने हमारे लिए मटन बनाया, ऐसे एकदम पुराने दिनों की याद आ जाती है। जैसे हम छोटे हुआ करते थे तो संडेज हमारा ऐसे होता था कि हाँ हम सब घर में है, पापा मटन बनाएंगे और हम खाएंगे। तो आज का दिन मैंने पूरा वैसे ही स्पेंड किया। पापा गए रेस्ट करने, अब मैं बैठी हूँ काम कर रही हूँ, भाई दादा मूवीज देख रहा है। सो यस, ओवरऑल बहुत ही पीसफुल डे है। यार अनिकेत को बहुत मिस कर रही हूँ, वो भी मुझे मिस कर रहा है, बट यार काम करना ज़रूरी है। जो कुछ भी हुआ कल, ये सब ही सरप्राइज था मेरे लिए, मुझे कोई चीज़ के लिए आई वॉज नॉट रेडी। आई वॉज वेरी काम कि हमारा दुबई का ट्रिप बहुत अच्छे से हो गया है, काउंटिंग इट एज अ एनिवर्सरी ट्रिप वगैरह। तो मैं एकदम काम थी कि हम यहाँ आएंगे बस और जाएंगे, बट अनिकेत ने बहुत सरप्राइज कर दिया विद उसके गिफ्ट, आपने देखा ही। देन पापा ये लोग ने भी घर ये सब डेकोरेट करके और उसमें चेरी ऑन द केक बोलते हैं ना, वो डाल कर दिया हमारे लिए। बहुत ही एकदम सुकून सा दिन है, अच्छा लग रहा है। वेटिंग फॉर अनिकेत टू कम बैक फ्रॉम वर्क। मेरी जो शादी हुई थी वो इस बिल्डिंग से हुई थी। मैं और दिया निकल गए हैं रस्ते में वॉक के लिए, और देख रहे हमारे सामने है मेरी पुरानी बिल्डिंग जहाँ से मेरी शादी हुई। आज ही के दिन, आज ही के दिन, आज ही के दिन, आज ही के दिन हमारे क्या कुछ नहीं हो रहा था आज यहाँ, क्या कुछ नहीं हो रहा था यहाँ, दिया का कहना है। आज के दिन हम, मैं यहाँ से विदा हुई थी और आज मैं फिर से यहाँ पर हूँ। 7 years later मैं और दिया निकल गए, हमको बहुत बोर हो रहा था घर में, सो वी आर आउट। चलो छाते हैं, आ गए हैं मैकडॉनल्ड्स बहुत चलते चलते हम यहाँ ड्रॉप कर गए। तो यस, फटाफट यहाँ से घर जाएंगे, डिनर बनाना है।